हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 16th of July 2021 और आज की डेट में सबसे बड़ा धमाकेदार न्यूज़ अभी अभी जस्ट रिसेंटली आउट हुआ है। रिलायंस ने एक कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी ऑफ स्टेक खरीद लिया है। कौन सा कंपनी है जिसके अंदर सोमवार दिन हमें अपर सर्किट लगने का भी बहुत ज़्यादा चांस है, चलिए देखते हैं। और उसके साथ साथ रिलायंस के लिए 23rd of July बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है सब कुछ एकदम डिस्कशन करेंगे, रिलायंस के अंदर आपका क्या रणनीति हो सकता है उसके ऊपर भी पूरा चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, आपके पास अगर ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है और अकाउंट ओपनिंग फीस बिल्कुल ही जीरो है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक और आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आज है 16th of July 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया का नंबर वन कंपनी है निफ्टी 50 में टॉप वेटेज वाला स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री, जिसके ऊपर मैं लगातार खरीदारी करने का आपको राय दिया था जब शेयर प्राइस 1900 रुपए के लेवल पे था। आज की डेट पे 2100 रुपए के लेवल पे पहुंच चुका है बस कुछ ही महीनों के अंदर। तो फिलहाल दोस्तों, आज की डेट में सबसे बड़ा धमाकेदार न्यूज़ बाहर आ चुका है, बस कुछ ही घंटों पहले ये न्यूज़ है, अपडेट है। रिलायंस इंडस्ट्री ने एक और एक कंपनी जो कि ऑलरेडी मार्केट के ऊपर लिस्ट है, वो कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी ऑफ स्टेक खरीद लिया, यानी कंट्रोलिंग पावर खरीद लिया है। तो मंडे के दिन उस कंपनी के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा तेजी या अपर सर्किट भी लगते हुआ नज़र आ सकता है। चलिए सबसे पहले हम न्यूज़ को कवर करेंगे, उसके बाद दोस्तों रिलायंस के शेयर के अंदर आपका क्या रणनीति हो सकता है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को पूरा अंत तक देखना बिना स्किप किए, अदरवाइज आपका लॉस होगा। देखिए सबसे पहले हम आ चुके हैं लाइव मिंट की वेबसाइट में, यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यूज़ का अपडेट है 8:23, मतलब बस कुछ ही घंटे पहले ये न्यूज़ पब्लिश हुआ था लाइव मिंट की वेबसाइट में। तो दोस्तों न्यूज़ का हेडलाइन आपके सामने है, देखिए रिलायंस रिटेल, रिलायंस का ही एक सब्सिडियरी कंपनी हम सभी को मालूम है RRVL, यानी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, रिलायंस रिटेल एक्वायर 66.95% स्टेक इन जस्ट डायल। जस्ट डायल दोस्तों ऑलरेडी मार्केट के ऊपर लिस्ट है, ये बेसिकली एक इंडियन सर्च इंजिन है फॉर 3,497 करोड़ रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस ने रिलायंस रिटेल जो कि रिलायंस के एक सब्सिडियरी कंपनी है उसके थ्रू जस्ट डायल के अंदर ऑलमोस्ट कंट्रोलिंग पावर यानी 66.95% मेजॉरिटी ऑफ स्टेक को यहाँ पे खरीद लिया है। चलिए नीचे चल के और भी डिटेल में पढ़ते हैं कि कितना प्राइस पे खरीदा, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे दो मतलब अलग अलग यहाँ पे टाइप से खरीदा है। सबसे पहले मुकेश अंबानी टेलीकॉम टू पेट्रोकेमिकल कॉन्ग्लोमेटेड रिलायंस इंडस्ट्री रिटेल, मतलब रिलायंस का ही एक सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर, ये पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू रिलायंस इंडस्ट्री ने बहुत बड़े बड़े कंपनी को एक्वायर किया, फ्यूचर ग्रुप को भी एक्वायर किया जिसके ऊपर अभी भी केस चल रहा है। इस एक्वायरिंग अ मेजॉरिटी स्टेक, मतलब कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया 66.95% इन लोकल सर्च कंपनी जस्ट डायल फॉर 3,497 करोड़। अब देखिए टोटल तो स्टेक खरीदा है ऑलमोस्ट 67% के आसपास, राइट, जिसके अंदर रिलायंस रिटेल विल होल्ड 40.95% स्टेक इन द कंपनी एज पर द डेफिनेटिव एग्रीमेंट ऑन 16 जुलाई। आज की डेट पे जो 66.95% स्टेक खरीदा है उसके अंदर, ध्यान देना, उसके अंदर 40% स्टेक उठाया है एज पर डेफिनेटिव एग्रीमेंट्स के थ्रू आज की डेट पे, और बाकी का बाकी जितना स्टेक है वो जो 26% का स्टेक वो दोस्तों सेबी के द्वारा यहाँ पे ओपन मार्केट में उठाया गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा नीचे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखिए जस्ट डायल टूडे सेट इट्स बोर्ड हैज अप्रूव रेजिंग 2,164 करोड़ थ्रू इश्यूएंस ऑफ शेयर ऑन ए प्रेफरेंशियल बेसिस ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। वो जो बाकी का हिस्सा है वो जस्ट डायल ने यहाँ पे फंड रेजिंग के थ्रू यहाँ पे मतलब रेज किया है, देखिए लगभग 25.33% का स्टेक, ठीक है। कितने प्राइस पे रिलायंस को बेचा है 1,022 रुपये, जो कि आज की रेट पर अगर हम बात करें जस्ट डायल का शेयर प्राइस चल रहा है करीबन इसके आसपास ही, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि मार्केट प्राइस के ऊपर ही रिलायंस का वो जो बाकी का स्टेक है, मतलब ये जो 40.95% स्टेक वो तो एक नॉर्मली प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पे मतलब
खरीदा है रिलायंस ने। उसके बाद बाकी का जो स्टेक है 25.33% का स्टेक यहाँ पे दोस्तों 1022 रुपये के आसपास रिलायंस ने यहाँ पे खरीदा है ओपन मार्केट के थ्रू। मतलब दो अलग चीज़ है यहाँ पे समझना, ये जो 40.95% का स्टेक है ये खरीदा है डेफिनेटिव एग्रीमेंट के थ्रू, बाकी 26% का स्टेक उठाया है दोस्तों यहाँ पे मतलब ओपन मार्केट के थ्रू। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज की डेट में जो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है जस्ट डायल का, वो करीबन इसके आसपास ही चल रहा है, कोई बहुत बड़ा गैप अप या कोई बहुत बड़ा यहाँ पे डिस्काउंट में नहीं खरीदा। तो मेरे ख्याल से मंडे जब बाजार ओपन होगा तो जस्ट डायल की शेयर प्राइस में दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज़ी या अपर सर्किट लगने का भी पूरा चांस है, क्योंकि मैं आपको दिखाने चाहूँगा यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। जस्ट डायल का जो शेयर प्राइस चल रहा है देखिए 1070 रुपये, आज की डेट पे बात करें तो देखिए शेयर प्राइस में हमें 3.5% के आसपास गिरावट भी देखने को मिला। तो बेसिकली इन्होंने शेयर को खरीदा है रिलायंस ने 1021 रुपये के आसपास, तो आप देख सकते हो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, यानी ऑलमोस्ट करेंट मार्केट प्राइस के ऊपर ही शेयर को बाई किया है 25% स्टेक। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है जस्ट डायल की स्पेशली शेयर होल्डर के लिए। और आज की डेट पे अगर हम बात करें दोस्तों, रिलायंस ने पूरा का पूरा जस्ट डायल को ऑपरेट करेगा, क्योंकि रिलायंस ने दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ स्टेक जिसे बोलता है कंट्रोलिंग स्टेक पूरा का पूरा खरीद लिया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कंपनी के बीच में आपस में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि देखिए रिलायंस का जो मार्केट कैप्चर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, रिलायंस ने अपना जो बिजनेस एक्सपैंड है वो और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है रिलायंस को, ठीक है, अपना बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है। और कोई भी कंपनी अगर अपना बिजनेस को और एक्सपैंड करता है तो वो तो ऑब्वियसली अच्छा या पॉजिटिव न्यूज़ ही होता है अपने शेयर होल्डर के लिए। अब दोस्तों बात करेंगे रिलायंस के अंदर आपका क्या आगे का रणनीति हो सकता है, उसके पहले दोस्तों 23rd of July क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है जून क्वार्टर का भी हर एक कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे रिलायंस का भी फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब क्वार्टर वन का रिजल्ट आउट होगा 23rd of July 2021। ये डेट आप चाहे तो पेपर पेन में लिख लीजिए आप अगर रिलायंस की शेयर होल्डर है तो उस दिन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहना, जब भी रिजल्ट आउट होगा मैं तुरंत वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर दूंगा दोस्तों। अब जो इंपॉर्टेंट बात आता है, चलिए जस्ट डायल में तो हमने देख लिया कि उसमें अपर सर्किट लग सकता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी हो सकता है मंडे के दिन। अब रिलायंस के अंदर आपका क्या रणनीति होगा ये आपको जानना जरूरी है, राइट। तो वीडियो दोस्तों अभी तक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। तो दोस्तों रिलायंस का जो आज की डेट पे RSI इंडेक्स वो एकदम ही न्यूट्रल पोजीशन में चल रहा है 49 के आसपास। जब रिलायंस की AGM हुआ था आपको याद होगा, उसके बाद से देखिए शेयर प्राइस में लगातार हमें गिरावट, सीधा शेयर प्राइस जहाँ पे 2200 के ऊपर चल रहा था वहीं गिरते देखिए 2100 का भी नीचे आ गया था। बट यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल निकल कर रहा है दोस्तों करेंटली वह है 2050 रुपये का लेवल। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा दोस्तों, देखिए रिलायंस जैसे शेयर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये पहले मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। आपका अगर लॉन्ग टर्म का टारगेट है मतलब मिनिमम 5 साल होल्डिंग का टारगेट है तो रिलायंस की तरफ आप जा सकते हो। इस ऐसा स्टॉक है दोस्तों, मैं हर बार पोर्टफोलियो रिव्यू में बोलता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इससे अच्छा सेफ्टी इच्छे अस्तक कंसिस्टेंट रिटर्न और कोई स्टॉक नहीं है। रिलायंस जैसे शेयर इंडिया का नंबर 1 कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे निवेश कीजिए, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा फिर भी डिप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 2000 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर हम बात करें 6 महीने का चार्ट पैटर्न तो ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो देखिए करीबन 2300 रुपये के आसपास बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस मिल रहा है रिलायंस की शेयर को, और नीचे की तरफ अगर हम बात करें वो देखिए 2000 की जो लेवल्स है उसमें लास्ट 2 महीने में आया नहीं जब ऊपर आया था। तो बेसिकली इसका जो सपोर्ट लेवल अभी शिफ्ट हो गया है, थोड़ा ऊपर आ चुका है और लेवल जो निकल कर रहा है लगभग 2050 से 80 रुपये के लेवल के आसपास। तो मेरे ख्याल से इसी लेवल के आसपास आपको शेयर को उठाना चाहिए, क्योंकि जब बात आता है लॉन्ग टर्म में दोस्तों रिलायंस जैसे शेयर आपको बढ़िया रिटर्न कमा के दे सकता है। कारोबार आज की डेट पे बहुत ही शानदार देखने को मिला, 46% के आसपास शेयर डिलीवरी उठाए जा चुका है। अब देखना यह है कि मंडे बाजार ओपन होने के बाद मार्केट कैसे रिस्पॉन्स करता है रिलायंस के अंदर एंड जस्ट डायल के अंदर, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रिस्पॉन्स करने का चांस ही सबसे ज़्यादा है। फिर भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले दोस्तों आप अपना खुद भी स्टडी करना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। वीडियो कहीं पर एंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।